दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स की फ़ीस के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड प्राइवेट कॉलेजेस में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने में कितना पैसा लगता है, यानी कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। जेएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। इसके अलावा आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी कि फीमेल एंड मेल दोनों ही कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कॉलेजेस में सीटें ज़्यादा होती हैं और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीटें बहुत कम होती हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के फ़ीस के बारे में। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स की जो फ़ीस है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग होती है एंड प्राइवेट कॉलेजेस में अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस कम होती है प्राइवेट कॉलेजेस की अपेक्षा, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपेक्षा। आइए आपको कुछ अलग अलग कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस कितनी फ़ीस लगती है जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई की। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो कितनी फ़ीस आपको देनी होगी, तो आपको देनी होगी 43,000 रुपये फ़ीस। ये जो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से है, यानी कि हमने अलग अलग वेबसाइट्स पर रिसर्च किया है। फीस देखिए फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी फ़ीस है। इसके अलावा आप चाहें तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन जाकर के भी पता कर सकते हैं कितनी फ़ीस लगती है। देखिए एग्जैक्ट फ़ीस आपको वहीं से पता चलेगी कहाँ से, कॉलेज में जाकर के। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंटरनेट के अकॉर्डिंग जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग टोटल फ़ीस है 43,000 रुपये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जेएनएम नर्सिंग कोर्स की फ़ीस, ये किसकी फ़ीस है? ये फ़ीस है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी की। तो इस कॉलेज में जो फ़ीस है वो है 4,500 रुपये पर मंथ की। ध्यान रखिएगा ये जो फ़ीस है कितनी है, 4,500 रुपये पर मंथ, यानी कि 3 साल की फ़ीस हो जाएगी 1,62,000 रुपये, यानी कि 1.62 लाख रुपीज़। तो इस कोर्स की जो टोटल फ़ीस है इस प्राइवेट कॉलेज में वो है 1,62,000 रुपये, कितने की, 3 साल के लिए, यानी कि टोटल कोर्स की फ़ीस है 1,62,000 रुपये। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नारायण नर्सिंग कॉलेज जमुहार बिहार, इस कॉलेज में टोटल फ़ीस है वो है 3,90,000 रुपये, यानी कि 3.9 लाख रुपीज़। तो इसकी टोटल फ़ीस है 3,90,000 रुपये। आप यहां पर देख पा रहे होंगे पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात, इस यूनिवर्सिटी में जेएनएम नर्सिंग कोर्स की फ़ीस है 65,000 रुपये पर ईयर की, यानी 3 साल के लिए फ़ीस हो जाएगी 1,95,000 रुपये, यानी कि 1.95 लाख रुपीज़। तो इसमें टोटल फ़ीस है 1,95,000 रुपये 3 साल के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 80,000 रुपये, सेकेंड ईयर की फ़ीस है 82,400 रुपये, थर्ड ईयर की फ़ीस है 84,872 रुपये। इस तरीके से टोटल फ़ीस हो जाती है 2,47,272 रुपये। और ये जो फ़ीस है ये हमने कहाँ से ली है, ये ली है हमने शारदा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर जो मेंशन किया गया था वही फ़ीस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 2,47,272 रुपये ये टोटल फ़ीस हो जाती है 3 साल के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस कितनी होती है, तो अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फ़ीस है वो 30,000 से 45,000 रुपये होती है टोटल कोर्स के लिए, यानी कि 3 साल के। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फ़ीस है वो 1,00,000 से 3,90,000 रुपये, या फिर हम कह सकते हैं 1,00,000 से 4,00,000 रुपये तक की होती है पूरे कोर्स की फ़ीस, यानी कि टोटल कोर्स की फ़ीस। ध्यान रखिएगा ये पर ईयर की फ़ीस नहीं है, ये है टोटल कोर्स की फ़ीस, यानी कि 3 ईयर्स की।
तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 30 से 50 हज़ार रुपये तक फीस हो सकती है, डिपेंड करेगा कॉलेज पर, इससे कम भी हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है वो 1 लाख से ऊपर ही रहती है, 1 लाख से 3 लाख 90 हज़ार या फिर 4 लाख रुपए तक कह सकते हैं, डिपेंड करेगा प्राइवेट कॉलेज पर कि प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे कैसे सुविधाएँ हैं और कहाँ पर है। कॉलेजेस के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है डेटा, वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट फीस जानना चाहते हैं तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं आप उस कॉलेज में जाकर के ऑफलाइन पता कर सकते हैं, वहीं आपको बिल्कुल करेक्ट फीस बता सकते हैं। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफ़ी फ़ीस कम होती है, हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस की वेबसाइट विज़िट की, वहाँ पर अधिकतर कॉलेजेस पर फ़ीस मेंशन नहीं की गई है। ये लिखा होता है कि वहाँ पर कि जेएनएम या फिर एनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है, बट वहाँ पर फ़ीस मेंशन नहीं की गई है अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेजेस की वेबसाइट पर। प्राइवेट कॉलेजेस की वेबसाइट पर फ़ीस मेंशन की गई है और वही डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो रहने और खाने का खर्चा होगा वो आपको अलग से पे करना होगा, ये है ट्यूशन फ़ीस यानी कि पढ़ाई की फ़ीस। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में। देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, किसी में टोटल फ़ीस रहती है 1,22,000 रुपये, 1,30,000, 50,000, 1,70,000, 2 लाख, 2.5 लाख रुपये, 2,70,000 रुपये, 3 लाख रुपये, 3.5 लाख, 4 लाख रुपये तक भी होती है अलग अलग कॉलेजेस में। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिसे एडमिशन लेना चाहते हैं उस तरीके से आप फीस चेक कर सकते हैं और फिर आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट इन्फो ग्लोब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, हर एक वीडियो आप देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।